और इसी बीच बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां सिपाही भर्ती को लेकर योगी सरकार की तरफ से विचार करने का निर्देश दिया गया है। कांस्टेबल भर्ती मामले में सीएम योगी ने निर्देश दिया कि सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा में छूट देने पर विचार हो। लगातार नेताओं की तरफ से भी लेटर लिखा गया। उम्र में 3 साल की छूट संभव है क्योंकि सामान्य वर्ग के लिए 22 वर्ष तक की ही आयु सीमा थी, 18 से 22 तक। यानी कि जो पिछली बार जिन लोगों ने भर्ती नहीं देखी थी, उनको इस बार भी भर्ती का मौका नहीं मिल रहा था सामान्य वर्ग में। और यही वजह है कि संजीव बालियान, संगीत सोम, इसी तरह से तमाम बीजेपी के सामान्य वर्ग के विधायकों ने मुख्यमंत्री को लेटर लिखा था। और अब इसको लेकर योगी ने, मुख्यमंत्री ने विचार करने का आदेश दिया है। आयु सीमा में छूट देने पर विचार हो, 3 साल तक की छूट दी जा सकती है। यानी कि जो 22 वर्ष तक की अब तक आयु सीमा थी, उसे बढ़ाकर 25 किया जा सकता है। एहतशाम सिद्दीकी हमारे साथ, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कनेक्ट हैं। एहतशाम, आखिरकार लगातार जो लेटर्स मिल रहे थे मुख्यमंत्री को, उसका असर हुआ? सामान्य वर्ग को छूट मिलने की संभावना आप दिख रही है? जी हाँ, देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव गृह आईएएस संजय प्रसाद को इस बात का निर्देश दे दिया है कि पुलिस भर्ती में जो वर्गों में आयु की सीमा है, उसमें जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था और लगातार मुख्यमंत्री से उम्र बढ़ाने जाने की मांग कर रहे थे। काफी अरसे से वक्त से भर्ती हुई नहीं और एक बड़ी भर्ती आई है, ऐसे में छूट की मांग करना भी जायज था। उसको मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया है और जल्द ही शासनादेश इस बात का जारी हो जाएगा और इससे जो उत्तर प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवक है, उनको एक मौका मिलेगा और वो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में शामिल हो सकेंगे। जी, 3 साल की जो उम्र सीमा में छूट की बात कही जा रही है, वो सबके लिए है या ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के लिए भी कुछ बात कही गई यहाँ पर? देखिए, नोटिफिकेशन निकलने के बाद ये पूरी तरह से बात सामने साफ आएगी, लेकिन ये बात अंदरूनी तौर से सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, उसमें सामान्य वर्ग को 3 साल बढ़ाने के लिए एक बात कही गई है, लेकिन जो रिजर्वेशन कोटा है, उसमें भी कुछ न कुछ चीजें परिवर्तित देखने को मिलेंगी और जल्द से जल्द उसका नोटिफिकेशन गृह विभाग से जारी किया जाएगा और पुलिस भर्ती बोर्ड उसका नया विज्ञापन जारी करेगा। क्यों ये मुद्दा बना था एहतशाम, एक बार दर्शकों को ये भी समझा दीजिए, क्योंकि 5 साल पहले भर्ती आई थी और उम्र वाला जो बड़ा फैक्टर दिख रहा था। देखिए, काफी वक्त के बाद भर्ती आई है और ऐसे में जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, वो इस सीमा के ऊपर चले गए, तो उनकी उम्र निकल गई थी और उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में लगातार युवाओं की संख्या बढ़ती जा रही, जो वोट बैंक में भी कहीं ना कहीं तब्दील होती, वो लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे थे, वो विरोध कर रहे थे, तो सरकार ने कोई रिस्क नहीं लिया और सरकार ये जानती है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। ऐसे में सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए उम्र में छूट देने का फैसला लिया, ताकि जो बेरोजगार युवक हैं जिनकी उम्र सीमा निकल चुकी है, उनको भी एक बार मौका दे दे और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा सकता है। तमाम जानकारी के लिए, इन तथ्यों को समझाने के लिए आसान भाषा में, आपका बहुत शुक्रिया आयत शाह।